good morning two and all let us start our chapter night of the scorpion firstly we have to introduce our chapter the night of the scorpion uh, is a brilliant narrative poem the protagonist might be the poet himself or an imagined person who speaks in the first person the poem starts as the mother is stung by a scorpion on rainy night the mother Occupies uh, por, uh, prominent places in Indian home. All love and respect her. So, all members of the family and neighbors are very anxious to bring her quick relief. They are simple and uh, well intentioned people who believe in the efficiency of prayer. They think and hope that prayer can ward off the evil influence. They search for a scorpion, but all in vain. They are simple and ignorant people who believe that if the scorpion moves, its poison will also move in the mother's blood. So, uh, let's come to the point. I remember the night my mother was stung by a scorpion. Ten hours of study ran had driven him. ट्रुक्रॉल विनीत अ सेक ऑफ राइस मुझे याद है वह रात्रि जब मेरी माँ को बिच्छू के द्वारा डंग मारा गया था दस घंटा लगातार स्टडी रैन मतलब होता है कॉन्टिन्यू बारिश में जो राइस सेक ऑफ राइस मतलब होता है जो चावल की बोरी ओरी रखी गई होती है उसके नीचे उसे ढूंढा गया पार्टिंग विथ हिस्स पॉइजन फ्लैश अ डायबोलिक टैल इन द डार्क रूम हिरिक्स द रैन अगेन डायबोलिक मतलब होता है दानवीय ठीक है यानी जो उसका पॉइजन है उसके दानवीय पोच के द्वारा मेरे माँ के फ्लैश में मांस में डाल दिया गया था हिरिक्स द रैन अगेन वो बारिश में सॉरी वह बारिश दोबारा होने लगी द पीजें स्कैम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज एंड बूज द नेम ऑफ गॉड ए हंड्रेड टू पुरलाइज द इविल वन यहाँ देखिए जो किसान थे या जो भी गांव वाले थे वो आए ग्रामीण क्षेत्र के लोग और स्वाम्स मतलब होता है एकदम जैसे मधुमक्खियों का भीड़ होता है ना वैसे वो लोग एकत्रित हो गए और बुदबुदाने लगे कई दफ़ा भगवान का नाम लेने लगे और उन्होंने कहा कि ये किसी बुरे कर्मों का देन है जिससे तुम्हारी माँ शक्तिहीन हो गई है विथ कैंडल्स एंड विथ लैटें थ्रोइंग स्कॉर्पियन ऑन द मड बैक वॉल्स दिस सर्च फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड वो टार्च लैटन के द्वारा इस इसकौर्पिय, स्कॉर्पियन जो था उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं बारिश तो हालांकि खूब हुई थी दे क्लिक्ड देयर टंग्स वे अपने लैंग्वेज में एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे क्लिक्ड मतलब होता है समझ में आना ठीक है विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड सैड प्रत्येक क्षण जो स्कॉर्पियन है अपने पॉइजन प्रत्येक क्षण स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है मेरी माँ के रक्त में बढ़ता जा रहा था उन्होंने ऐसा कहा मे ही सिट स्टिल दिसड मे सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टू नाइट सैड मे योर सफरिंग डिक्रीजेस वर्ल्ड उन्होंने कहा कि इसे मार देना चाहिए था हो सकता है कि इसके ये तुम्हारे पुनः मतलब पिछले जन्म के पाप हो और आज रात को तुम्हें मारा हो उन्होंने ऐसा कहा तुम्हारा जो कष्ट है वो दुर्भाग्यवश बहुत बढ़ता जा रहा है और सारी बुराइयों को इस अवास्तविक जीवन में इस दुनिया में ही यहाँ पे पूर्ण करना है जैसे कभी का कहने का तात्पर्य है कि जैसे लोग कह रहे थे कि तुम्हारी जो कर्म है हो सकता है ये तुम्हारा जो तकलीफ है वो तुम्हारे पुनर्जन्म का के वजह से हो या हो सकता है कि तुम इस जन्म में किए हो तो भरपाई तो इसी जन्म में करनी है ना अगर पाप अगर हम इस जन्म में करते हैं तो उसको उस पाप का दंड भी हमें इसी जन्म में मिलता है अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिस्ड बाई योर पेन मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैस उसमें से कुछ अच्छे भी लोग थे उन्होंने उस तकलीफ को कम करने के लिए कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे फ्लैश को ये जो पॉइजन है वो प्योरीफाई करे शुद्ध कर दे ऑफ डिज़ायर एंड योर स्प्रिट ऑफ एम्बिशन दे सैट एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्रूट विथ माई मदर इन देंटर मेरी माँ के पास आसपास उल्लिखित इर्द गिर्द मेरी माँ को सेंटर बनाकर के वो चारों तरफ से बैठ गया लो द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इच फेस सभी के चेहरे पे शांति की भावना दिख रही थी मैं समझ गया मोर कैंडल्स मोर लाइटेंस मोर नेबर्स मोर इंसेक्ट्स एंड द इंडलेस रैन बहुत ज़्यादा मोमबत्ती बहुत सारे लाइटेंस बहुत सारे पड़ोसी और बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस मुसलधार बारिश में सभी को उसी वक्त आना था जब मेरी माँ को बिच्छू ने मारा था माई मदर ट्विस्टेड एंड थ्रो ग्रोइंग ऑन ए मैट मेरी जो माँ थी वो मैट पे यानी चटाई पे ऐट रही थी तकलीफ से कराह रही थी माई फादर सेप्टिक सेप्टिकलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग मेरे जो पिताजी हैं वो वास्तविक वास्तविकतावादी हैं अर्थात वो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते हैं वो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न देखते हैं कि क्या इस क्या करने से क्या हो सकता है वो पाउडर लगाते हैं मिक्सचर लगाते हैं हर्ब लगाते हैं हाइब्रिड जो भी है वो उसकी हेल्प करते हैं अपनी पत्नी की ताकि उसकी जो तकलीफ है वो कम हो जाए इवन पोड ए लिटिल पैराफिन अपॉन द बीटिन टू एंड पुट ए मैच टू हिट वो इनफैक्ट वो परफिन यानी मिट्टी का तेल उस पर अंगूठे पे गिरा देते हैं और वहाँ पे आ, उसको जला देते हैं आई वॉज द फ्लेम फिटिंग और माई मदर मैं देख रहा था कि मेरी माँ का पैर चुटो है वो किस तरीके से जल रहा है आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टैम द पॉइजन विथ इन इनकेशंस अब मैं देख रहा था कि किस तरीके से उस पॉइजन पे इनका मंत्र काम कर रहा है आफ्टर ट्वेंटी आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग बीस घंटे बाद उसका जो जहर है वो ख़त्म हुआ माई मदर ओनली सैड मेरी माँ ने तब कहा थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक ऑन मी एंड स्प्रेड माई चिल्ड्रेन तब मेरी माँ ने कहा कि शुक्र शुक्रिया है भगवान का कि जो स्कॉर्पियन है मुझे डसा मेरे बच्चों को नहीं मतलब बख्श दिया यानी यहाँ पे जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है वो एक प्रकार की ऐसी कविता है इस कविता का जो नायक है खुद कभी ही है और एक यह एक काल्पनिक व्यक्ति है जो अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा है कविता की शुरुआत ऐसी होती है कि जैसे परिवार का जो मुखिया यानी उसकी माँ है एक भयानक बरसात की रात में बिच्छू को डंग जिसको बिच्छू डंग मार देता है वो माँ का भारतीय परिवार में एक विशिष्ट स्थान दिया गया है क्यों क्योंकि कभी ने बड़े ही मार्मिकता ढंग से माँ की तड़प के वर्णन इसमें किया है और उसके बेटों का बिच्छू को ढूंढने का प्रयास का भी वर्णन किया है माँ दर्द के बावजूद भी इस बात से खुश है कि बिच्छू ने उसके बच्चों को नहीं डंक मारा बेटों को उसने बख्श दिया बेटे बिच्छू को ढूंढ रहे हैं कि क्योंकि एक पुरानी भारतीय धारणा के अनुसार डंक मारा बिच्छू जितना भागता है डंक जिसको डंग मारा होता है उस व्यक्ति को उतना ही उसका जहर चढ़ता है इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी उस बिच्छू को ढूंढ कर मारना चाहते हैं और इस तरीके से नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो कविता है इसके माध्यम से जो निजम स्केल ने हमारे कवि हैं वो भारतीय परिवारों की एकता और प्यार को चित्रित किया है और हर स्थिति में एक है चाहे वो सुख हो या स्थिति वो दुख की हो वो परिवार हमारा जो है एक होता है थैंक यू दैट्स योर नाउ योर क्लास इज ओवर